हेलो फ्रेंड्स, आज हम तोरी यानी नेनुए की सब्जी बनाएंगे जो बहुत अच्छी बनेगी और साथ में इसमें बहुत तेल मसाले भी नहीं रहेंगे, पौष्टिक भी रहेगी। तो सबसे पहले नेनुआ जब भी लाइए तो बहुत मोटा नहीं लाइए। तो इस तरह से देखिए, मैंने बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नेनुआ लिया है, इसको हम हल्का हल्का छील लेंगे। तो इसका बहुत हल्के हाथ से छिलका उतारिए और इसको हम छील के धुलेंगे, मतलब काट के इसको हम नहीं धुलेंगे। कोई भी सब्जी अगर है तो छील लीजिए, उसके बाद उसको धुल लीजिए, नहीं पहले ही अच्छे से धुल लीजिए। तो इस तरह से हम छील लेंगे, देखिए छील ली हूँ, अब इसको धुलूँगी। गर्मियों में लोग तेल मसाला कम खाना चाहते हैं और बहुत घरों में रहता है कि नेनुआ लौकी खाने वाले हैं, क्यों? क्योंकि उनको यही खाना है। तो अगर आप इस विधि से बनाएंगे तो बहुत मसाले की आवश्यकता भी नहीं होगी, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से फटाफट देख सकते हैं, मैंने काट लिया, आप छोटी बड़ी पीसेस किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो ये कट गया। तो ये दो प्याज ली हूँ और ये 5-6 कलियाँ लहसुन की, इसको भी बारीक कट कर लूँगी और साथ में अदरक ये काट ली, साथ में हरी मिर्च भी काट ली हूँ, स्वाद के अकॉर्डिंग ले लीजिए। कढ़ाई रखेंगे गैस पर, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करना है, इस वजह से इतना तेल पर्याप्त है। तेल हो गया, जीरा डाल देंगे, चटकने देंगे, 1-3 हींग डालेंगे। अब ये सबसे पहले हम लहसुन और अदरक को हल्का सा भुनेंगे। अब हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, बस इसको उलट पलट के हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। हरी धनिया भी धो के काट लेंगे, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये 1/2 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। हल्का सा भुनेंगे, इसके बाद हम ये नेनुआ डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे। अब इसमें हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नेनुआ अभी थोड़ा सा हो जाएगा, मात्रा ये गल जाएगा, तो नमक संभल के डालिए और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। अब इसे एक बार हम चला लेंगे, देखिए ये सिकुड़ गया तुरंत से। इसको हम बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, नहीं सारी पौष्टिकता इसकी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी देर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से पानी छोड़ा है नेनुआ, इसको जरा सा हम इस तरह से कर लेंगे। इसको हल्का सा हम सुखा देंगे, आप चाहे तो रख सकते हैं, हम थोड़ा सा सुखा देंगे पानी को। तो हमारी सब्जी होगी, फ्लेम बंद करेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। तो ये बहुत टेस्टी और साथ में पौष्टिक हमारी सब्जी बन के रेडी है नेनुआ की। तो आप भी बनाइए और इसे रोटी पूरी पराठे चावल किसी से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइए और रेसिपी समझ में आए फ्रेंड्स तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।